तो भाई लोग कुछ ऐसा हो गया था इस गेम, मतलब इस गेम में सोचा चलो अजीब भाई का ड्रेस पहन के चलते हैं, लॉबी का मतलब रिएक्ट देखेंगे, मतलब लोग क्या मतलब कैसे करते हैं। तो उसी समय एक बंदा किनर बन चला गया था एरो वाला, जो कि मेरे पर मतलब मेरे पास में आया, सोचा मतलब बंदा अजीब भाई तो नहीं, तो मतलब मेरे को देख रहा था, तो बाद में इसको सब खुल हुआ मेरे को पता नहीं। उसके बाद मैं सोच लेके अब इसको मारा जाएगा या फिर इसके टीम को मारा जाएगा, तो डायरेक्ट हम गेम में चलते हैं, तो वहीं इसके हम बजाएंगे। चलो फाइनली हम इधर ब्राजील पे उतरेंगे, क्योंकि उनको पता कि वो भी ब्राजील पे, वो भी ब्राजील में एक इंटरेस्टिंग बात हो गई कि मतलब इधर आठ या छः स्क्वाड उतर रही है, जो कि पूरा मैप में सब बंदे इधर ही उतर रहे हैं, तो पता है कि मतलब इधर किनर बंडल अज्जू भाई आए हैं, तो भाई इनको मारना पड़ेगा, मेरे को यही लग रहा हो रहा है। तो फाइनली हम इधर लूट कर लिए हैं, तो लूट करेंगे तो मैक्स 707 ले लेते हैं, और इधर मेरा थोड़ा पिंग जा रहा है क्योंकि भाई बंदे मतलब बहुत उतर चुके हैं, कम से कम 30 बंदे कम से कम इधर बंदे उतरे हैं, और इधर गेम लैग मतलब हर प्लेयर का गेम लैग हो रहा होगा, तो मेरा गेम लगा तो पता नहीं क्या हम टिक पाएंगे, क्या मार पाएंगे पूरा ब्राज़ील वाले बंदे को। तो क्योंकि भाई इधर आप अज्जू भाई का इधर मतलब आप इज्जत है, मतलब अपन अज्जू भाई बन चुका है, तो फाइनली हम इधर लूट वूट करेंगे तो मारेंगे। तो असम एक बंदा जा रहा है मेरे, आई थिंक पिंग चला गया है, तो मेरा गेम भी लैग हो रहा है, मेरे को पता कि इधर गेम बहुत लैग होने वाले हैं, क्योंकि इधर मतलब इतने बंदे उतर चुके हैं, तो मतलब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कांड हो गया इधर। जो सामने वाले घर में एक बंदा दिख रहा है मेरे को, आई थिंक कोनो लगा के उधर बैठा है, तो ठीक है उसको बैठने, तो फिर हम दूसरे को लेते हैं, ठीक है तब तक हम इधर नाच वाच लेते हैं। तो फाइनली मेरे हाथ में गुलवाल आ चुका है, एक गुलवाल आ चुका है, तो नीचे आई थिंक बंदे हैं, दो बंदे नीचे हैं लूट कर रहे हैं, तो एक को मैंने डैमेज दे दिया उमदा वाला, तो दूसरा भी दे दिया, बट ये बंदा डाउन नहीं हुआ, इतना ग्लिच मतलब कैसे कर सकते हैं फिफा, मतलब यार भाई ब्राज़ील है भाई, मतलब यार कुछ रहम तो करो यार, बंदे इतने हैं भाई, किल तो मिलना चाहिए। चलो कोई नहीं, इनको छोड़ दिए, नहीं मर पाए क्योंकि उनको दूसरे उसको ले सकते हैं। तो सामने एक लड़की जाती है, यही बंदा इस बंदे को मैंने डैमेज दिया, तो फिर से डैमेज दिया मैंने 150-250 का, तो अभी तक बंदा डाउन नहीं हो रहा, मतलब क्या ग्लिच है, मतलब फ्री फायर के इतना ज़्यादा ग्लिच भाई, मतलब कैसे यार सर, ये तो टट्टी है। तो भाई छोड़ो यार भाई, मतलब नहीं को खेलना ही नहीं है भाई, मतलब इतना ग्लिच मतलब कैसे चलेगा भाई। चलो इसी बात में मेरे दो जो तीन बंदे रैंडम है, जो कि मैं रैंडम स्टार्ट किया था, और रैंडम लोग आए हैं, तुमको पता नहीं कि स्ट्रेटजी क्या है। तो सामने एक बंदा जा रहा है, सामने बंदा घुस गया अंदर, ये लड़की क्या कर रही है भाई, लड़के के सामने बंदा है भाई, कुछ नहीं कहा लड़की है भाई। तो हमारे लिए एक बंदा लड़के को कुछ नहीं करके मेरे को तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं निकलूँगा तो लड़कियाँ ठेस दे जाएंगी। तो सामने बंदा, तो मैं ओपी मूवमेंट के दौरान करूँगा, एक को तो खडाउन कर दिया मैंने उमदा वाला, जो एक और बंदा आ चुका जो उसको ख़त्म कर दिया गया भाई, इन लड़कियों ने मतलब अकेले मार दिया, मेरे जरूरत ही नहीं पड़ा, देख रहा लड़कियाँ भी प्रो होने लगी आजकल। चलो इसी बात में मैंने लूट कर लेता हूँ ओपी वाला। A few moments later. तो भाई लोग जितने भी ब्राज़ील पे स्क्वाड थे सबको मारा जा चुका है, सिर्फ दो स्क्वाड बचे, देखो दो को मैं ही मारूंगा, अकेले मारूंगा, क्योंकि सामने वाली फाइट हो रही है। तो अपने अज्जू भाई एकदम हाथ में नेट आई थिंक मेरे को लूंगा और इनके ऊपर रस कर दूंगा, तो दो नेट फेंकूंगा तो अज्जू भाई अपना ख़त्म कर देंगे पुलिस ब्राज़ील को। तो एक नेट तो अपना फेंक दिया, तो दूसरा भी नेट फेंक दिया, फाइनली पूरी स्क्वाड खत्म हो चुकी है, साथ में पूरा ब्राज़ील के बंदे को मैंने खत्म कर दिया है। तो भाई वीडियो बस यहीं तक करते हैं, और जो भी चैनल को लाइक नहीं किया लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई आज अज्जू भाई ने मतलब अकेले मचा दिया भाई, पूरा ब्राज़ील को मतलब हिला दिया, मतलब आठ स्क्वाड मतलब मैंने अकेले अपने स्क्वाड को जिता दिया। तो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ब्रो।